पूर्णिया के डीएम का पदभार संभालते ही सुहर्ष भगत जिले को आगे ले जाने की जुगत में तत्पर नजर आ रहे हैं। गुरुवार को डीएम सुहर्ष भगत ने सीमेन स्टेशन का निरीक्षण किया, साथ ही स्टेशन के प्रबंधक के साथ बैठकर सीमेन स्टेशन में उत्पाद बढ़ाने की चर्चा की। सुहर्ष भगत ने पूर्णिया के मरंगा स्थित सीमेन स्टेशन एक एक कर पूरे प्रोजेक्ट में बारी बारी से घुमा। उन्होंने बताया कि अभी इस स्टेशन में करीब 20% उत्पाद हो रहा है, जिसे बढ़ाकर 100% करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए मौजूद संबंधित अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। पूर्णिया में हम लोग का जो स्टेट ऑफ आर्ट सीमेन स्टेशन बना है, जो कि पार्शली फंक्शनल हो गया है, इसमें हम लोग का विजिट का पर्पस, हम लोग इसको और बेहतर तरीके से कैसे हम लोग इसमें ये करें। अभी जो अपनी फैसिलिटी का जो कैपेसिटी है वो करीब अभी 10% पे हम लोग का ये सीमेन स्टेशन चल रहा है, लेकिन जो 20% पे चल रहा है, इसको हम लोग और बेहतर तरीके से करें ताकि लोकल जो हम लोग का लाइव स्टॉक ब्रीड है, इसका भी इंडिजिनस ब्रीड का भी और एग्जॉटिक ब्रीड का भी, दोनों से प्रोडक्टिविटी बढ़े। तो जैसा बता रहे थे यहाँ पे इंचार्ज साइंटिस्ट कि हम लोग एटलीस्ट 4 से 5 times ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन इंश्योर कर सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात होगी यहाँ पूरे इलाके के लिए। और फीड पे भी बहुत अच्छा काम किया गया है, जिसको अच्छी क्वालिटी का फीड इंश्योर करा करके प्रोडक्टिविटी को मेंटेन किया जा सकता है, हाई वैरायटी का। तो वो दोनों चीज़ें इसमें हम लोग का जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है उसके साथ कोऑपरेट करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी इसको जल्दी इसको फुली फंक्शनल बनाना और बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेट करा करके इसका जो मैक्सिमम बेनिफिट है यहाँ के फार्मर्स को, यहाँ के एनिमल रेयर्स को मिले, उसका हम लोग का प्रयास है। गौरतलब है कि साल 2020 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्णिया में सीमेन स्टेशन का उद्घाटन किए थे। तब से इस स्टेशन की शुरुआत हुई थी और अब इसे बेहतर करने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। पूर्णिया से बोलता बिहार की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। यह खबर अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।